नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। कुल दिनन के बाद हमारे उत्तर प्रदेश के झांसी की जी गली मोहल्लन की सड़कें से लेकर बाजार तक की सड़कें आपको थोड़ी पानी भरी, गीली गाली, गिचपिचाई सी नज़र आ रही हुई हैं। बड़ा अच्छा लगा था वो जब बारिश को ऐसा कोनो एहसास होने लगे दिख रहे हुए कि जगह सड़कन किनारे जो पानी भरो है उनमें हल्की हल्की बूंदें गिर रही हैं। पिछले 4-5-6 दिन से तो जो हालत थी आदमी की के पसीना के मारे पूरी तरह से तर बतर रहते और जान सी निकल रही थी, चाहे सुबह हो, दोपहरिया हो, संध्या हो। आज पता नहीं कौन सो ऐसा मुहूर्त भगवान ने निकालो कि दोपहरिया के समय थोड़ी सी फुहार बरसाई है। हालांकि ज़्यादा तेज थोड़ी देर के लाजे गिरे पानी और अब जैसे आप देख रहे हुए बूंद बूंद गिर रही है, फुहार सी बुल फुहार अब फिलहाल जारी है। और जब फुहार ने थोड़ो सो तो मौसम ठंडो कर दो है, वो इतना कर दो है कि अब हवा जो चल रही है पंखा में, आप अगर घर बैठे हो तो थोड़ी राहत मिल जाए। जो देख रहे हुए आप सड़क है झांसी के आवास विकास की सड़क है, हम जो मेन सड़क है थे ये शिवपुरी हाईवे की, वो दिखा दे रहे हैं आपको। लेकिन क्या है कि पिछले ये देखो बादलन की भी आप लगातार गड़गड़ाहट सुन रहा हुआ, गरज रहे हैं बादल। लेकिन जो कहते हैं ना कि जो गरजत हैं वे बरसत नहीं हैं और जो बरसत हैं वे गरजत नहीं हैं। कछु घंटा पहले खूब झमाझम बारिश भई, आप तो कह रहे हैं कि जैसे फुहार बर रही है, सो फुहार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जो बारिश जरी सी देर के लाज है भाई, और जो सड़कें हैं हाईवे की सड़कें हैं, हम उनको थोड़ा सो हल्को सा नज़ारा दिखाएं आपको। वहाँ से आप समझ जाइए कि स्मार्ट सिटी झांसी कौन सी हालत में रहतेगी और क्या पोजीशन है। जो देख लो भैया, कॉलोनी के लाए जावे वाली रास्ता है। अब यहाँ से अगर आपको 100 मीटर तक भी जाना है तो बगैर पानी के निकल के दिखाइए तो मान जाए हमें। और जो भैया हाईवे पे जो नंदनपुरा के आगे हैं वही कॉलोनी है, बहुत बुरी हालत है सड़कों की। किसी भी आप कॉलोनी में जाएंगे झांसी की, हर कॉलोनी में कुछ ना कुछ समस्याएं सड़क और सफाई की आपको मिल जाएंगी। बारिश की बूंदें आप देख रहे हैं पानी में लगातार गिर रही हैं और यह सड़क पूरी तरह से मिनी तालाब के रूप में नज़र आ रही है। वैसे तो लोग बहुत परेशान हैं सड़क, सफाई, बिजली और पानी को लेकर, लेकिन जा समय जो पानी गिर रहा है आसमान से जाको लेके भी थोड़े से खुश हैं। कैसे कि जितना पानी ज़मीन पे गिर रहे है उतनी जल्दी ज़मीन की जो गर्मी है वो कम हुआ और उमस कम हुआ शुरू हो जाए। जो लहर गिर्द कॉलोनी है आपकी, रसबहार कॉलोनी माफ करें, और आप देख ही रहोगे कि जगह जगह खड़ंजा उखड़ रहे हैं पाइपलाइन की वजह से, जो गड्ढादार सड़क हो गई है। और लगभग जो हाल तो आपको हम जैसा कह रहे हैं कि कोनो भी कॉलोनी में चले जाओ आपको जई प्रकार की दिखाई दे। और अब जो जोन से हिस्सा में आप आ गए हो जाए, कृष्णा इनक्लेव कहते हैं, कृष्णा इनक्लेव कॉलोनी है और जो बहुत अंदर तक गई है, पार्ट टू भी जाको होगा, जो लहरगर्द की जो मंदिर है देवी जी को वहाँ तक जाकर चली गई है, जो लंबी बस गई है। ऐसे जाए लहरगर्द फर्स्ट बोल ले जाए और पीछे वाले हिस्सा को लहरगर्द टू कहते हैं। जितनी मुसीबत आपको लहरगर्द फर्स्ट में दिखाई दे रही, बात से 4 गुनी मुसीबत लहरगर्द टू में है। वहाँ के लोग तो सड़कन के लाजें तरस रहे हैं, कई जगह तो जो नालों बनो है, बाकी आसपास की दीवारें नहीं है, तो उन्हें जो डर लगा कि रात में ऐसा ना हो कि आते समय अचानक में दिमाग पलट जाए, ना देख पाओ तो सीधे नाली में जाकर समा जाओ। अब कॉलोनी बड़ी खूबसूरत है झांसी की, जैसे आपको पता ही होगा कि झांसी है स्मार्ट सिटी है। लेकिन फ़िलहाल आपको जो थोड़ी सी राहत भरी खबर है कि बारिश की बूंदें ने गली मोहल्लन से लेकर बाजार तक की सड़कें तरबतर कर दी हैं। अगर जिस संध्या तक ऐसे ही लगातार बरसत रहे तो थोड़ी ज़मीन की गर्मी धीरे धीरे कम हुए और ठंडक को मौसम फिर से आ है, जी को सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं। सबको बेसब्री से इंतज़ार है कि मौसम ये उमस वाला ख़त्म हो। लेकिन आपको बता दें
कि बुंदेलखंड में जुलाई अगस्त को मौसम उमस बालुई का हो जाता है गो, और जो तो आपको झेल नहीं पड़े, चाहे हंस के करो और चाहे रोके। अब इंद्रदेव आपके इलाज है, नियम तो बदलवे से रहे, लेकिन हाँ एक तो है कि धीरे धीरे समय समय पे पानी बरसाए दे रहे। सो कछु उमस को मजा लो, कछु ठंडक को, और जाके साथ दिखत रहो मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।